अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी एकदम फिट है। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, कज़न की जो शादी थी और उधर गए हुए थे, 3 दिन तकरीबन वहाँ पर गुजर गए। और तो आज जो वापस आ चुके अपने घर, और घर आते सर मैंने कहा चलते हैं, चल के जो अपने मिनी जू पर जरा एक विज़िट करके आते हैं, क्योंकि 3 दिन से अपने मिनी जू में नहीं गए। तो आज मैंने कहा चलते हैं और जाके अपने जानवरों को एक नज़र मार के आते हैं, क्योंकि जानवर बीमार वगैरह तो नहीं है। तो चलते हैं, अब आपको भी साथ साथ दिखाते हैं, अपने जानवरों की अपडेट आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो अपने जो मुर्गे और छोटे जो हैं चूज़े वो खा रहे हैं। यहाँ पे खरगोश जो हैं फिट हैं, ज़बरदस्त अपने इंजॉय कर रहे हैं फुल। अपना कबूतर भी ठीक है, कबूतरों ने अपने अंडों से जो बच्चे निकाल लिए हैं, 2 बच्चे निकाले हैं कबूतरों, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अपने जो शराजी कबूतर हैं उन्होंने, ये देखें जी, सामने उसको दाना खिला रही है माशाल्लाह। इसने जी तो अपने 2 बच्चे निकाले हैं इस दफा अंडों से। अरे नान भाई जो अपने डेरे पे एक नई मुर्गी भी लेके आए हैं, वो भी जो इस वीडियो में आपको दिखाते हैं मुर्गी, और साथ जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पे अभी है नान भाई ने उसको इसमें बंद किया हुआ लेके आए हैं। तो अभी सुबह सुबह इसके अंदर बंद करते हैं, सर्दी होती है, लेकिन अभी धूप जो काफ़ी अच्छी निकली है इसलिए अभी उनको बाहर निकालते हैं। तो ये है जी अपनी वो मुर्गी है नान भाई ने जो लाई है बच्चों के साथ, देखें अभी इसको बाहर निकालते हैं, साथ आपको दिखाते हैं कोई दाना शाना भी जो इसको डालते हैं। यहाँ पे से धूप में ज़रा बंद करेंगे और इस पिंजरे के अंदर ही इसको रखेंगे, क्योंकि अगर इसको पिंजरे में ना बंद किया तो बाकी जो मुर्गियाँ वो दाना खा जाएंगी और आपस में ये लड़ेंगे, क्योंकि नई नई अभी आई है अपने डेरे पे तो ये आपस में फिर लड़ेंगे, इसलिए इसको सिर्फ इस तरह पिंजरे में बंद करके और इसी में दाना डालेंगे। तो ये है जी मुर्गी, और इस मुर्गी के साथ हैं जी 7 बच्चे। बच्चे तकरीबन 10-1 दिन के हैं। मुर्गी माशाल्लाह प्यारी है। हम देखते हैं कि अपने बच्चों की ये कैसे रखवाली करती है और इनको कैसे पालती है। देखें देखें दाना इसके अंदर डाला हुआ है, मुर्गा जो है उसके पास आ रहा है। दूसरी मुर्गी जो पहले पाड़े पे बिठाई है उसकी तरफ भी ज़रा नज़र मार लेते हैं। आज जो है इसके अंडों की कैंडलिंग भी करेंगे, आज इसके अंडे देखेंगे कि अंडों में बच्चे बने हैं कि नहीं। पाड़े पे तो अच्छे तरीके से बैठी हुई है और अंडे भी कोई इसने अपने ज़ाया नहीं किए। तो आज इस मुर्गी के जो अंडे हैं ना, अंडों की कैंडलिंग भी करेंगे, देखेंगे कि उनमें बच्चे बने हैं कि नहीं, क्योंकि इसको भी तकरीबन 8 से 10 दिन जो हो गए इस मुर्गी को बैठे हुए। और अपना जो दूसरी मुर्गी पाड़ पे बिठाई है उसकी तरफ नज़र मार लेते हैं। पीछे से अब्दुल्ला भाई ने फ़ोन तो किया था, एक अंडा जो उसने अपना वो पी लिया, बाकी भी देखते हैं कि बाकी क्या सूरत हाल है, बाकी अंडे ठीक हैं उसकी तरफ भी एक जो है वो नज़र मार लेते हैं। तो इसको यहाँ पर बंद किया हुआ है, सुबह इसको दाना जो डाला है दाने के लिए खोली थी, आज सुबह लेट उठाऊँ, लेकिन लतीफ़ भाई ने जो उसको दाना शाना डाल दिया था। बैठी तो ये भी ठीक है अंडों पे, लेकिन इसका एक ही मसला है, ये जो अपने अंडे पी लेती है उस वजह से ना, अपने बाकी तो तकरीबन जो है ना ठीक बैठी हुई अंडों में। जो मुर्गी अंडे देती है उसकी एक ऐनक नुमा बनी होती है, उनकी जो नाक में बुलगाते हैं उससे फिर ये अंडे जो है वो नहीं पीती, तो वो पड़ी हुई है अभी नान भाई ने पता नहीं कहाँ रखी है, वो ला के इसको जो वो डाल देंगे ताकि बाकी अंडे जो हमारे महफूज रहें बचे रहें। और यहाँ पे अपना जो मुर्गा एक बंद किया हुआ है, और यहाँ पर अपना ये जो नान भाई कुत्ता लेके आए हुए थे, अभी पहले से जो इसकी जो मतलब सेहत है वो ठीक है, अगर पहले से बेहतर है। पहले जब इसको नया नया लेके आए थे उस टाइम ये बस हमने इसने रोटी खाने के सारा दिन जो वो सोया रहता था, लेकिन अभी जो इसकी हालत जो है ना पहले से बेहतर है, अभी काफ़ी देर ये खड़ा भी रहता है, रोटी छोटी भी अपना टाइम से वो डालते हैं और खाता भी ठीक तरीके से, काफ़ी जो है पहले से बेहतर है। उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा,
हम कोशिश तो कर रहे हैं पूरी अपनी तरफ। और जो लास्ट में आपको दिखाना है वो अपना जो वीरू, आओ जी वीरू साहब, वीरू से ज़्यादा देर ना मिले तो वीरू जो अपना नाराज़ हो जाता है। वीरू 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 वीरू, ये देखे फैनान एहसान भाई उसके लिए अमरूद लेके आए, इससे भी 3 दिन से मुलाकात नहीं की, तो इससे ये नाराज़ भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो इससे मिलना जो रोज़ बहुत ज़रूरी है। वीरू ज़्यादा पास नहीं इसके जाना है, बैल ना खींच ले। वीरू उन्हों दे वीरू 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 भी जो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने इस मुर्गे का जो छोटा भाई है वो हिनान ने भाई ने जो वो सेल कर दिया है, वो थोड़ा सा कमज़ोर था हिनान भाई की तरह, तो वो हिनान भाई ने उसको जो वो सेल कर दिया है। तो खरगोशों की तरफ से एक छोटी छोटे खरगोश के जो बच्चे उनकी तरफ से बुरी खबर है कि 3 जो है वो बच्चे जो कुत्ता खा गया, तो 3 दिन में मेरे ख्याल से 3 दिन हम इधर नहीं हो, तो 3 दिन हुए कि करके तीनों जो खरगोश के बच्चे खा गए, और भी ये 3 बच्चे इसके रह गए, एक ये है और ये तो बड़ा खरगोश यहाँ पे फिर रहा है, तो बाकी मेरे ख्याल से अपने जो इन खुडों के अंदर ही है कहीं पे, ठीक है अभी बाहर नहीं है, ये 2 बड़ा जोड़ा है, 3 बच्चे जो खरगोश है वो खरगोशों के कुत्ता खा गया है, तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन खैर के आगे भी खरगोशों ने नया जोड़ा जो वो लग रहा है, इंशाल्लाह बच्चे बहुत जल्द वो दे देंगे। बहुत ही खुशखबरी की बात है, डॉन साहब जो आज जब से आए हैं अपने एयरपोर्ट से, जब से इनको लेके आए उसके बाद ये देखें आज आ रहे हैं हमारे पास, ये देखें ऐसे मिल रहे हैं जैसे अभी बाहर से आए हैं, क्योंकि इनकी अभी शादी हो गई है ना, इस वजह से इनके पास टाइम बहुत ही कम है हमारे से मिलने के लिए, कब 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 आते हैं, बहुत कम आते हैं। खैर सिद्धू मूसे वाले के तो बहुत ही बड़े फैन हैं, ये देखे 8/11 इन्होंने अपनी शर्ट पे भी लिखवाया हुआ है।